हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मोटो। आप देख सकते हैं मैं अभी खड़ा हूँ बेसिकली सुपर स्प्लेंडर के साथ, हीरो की तरफ से, जो इसका लेटेस्ट मॉडल है। अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो ओवरऑल जो इसका लुक है और जो प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा बदल चुका है। तो बढ़ते हैं डिटेल में, दिखाते हैं कि क्या कुछ आपको देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर हीरो सुपर स्प्लेंडर के साथ। सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट, यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको फ्रंट लुक देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर लेटेस्ट सुपर स्प्लेंडर का। यहाँ पर अगर आप ऊपर देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको विंडशील्ड देखने को मिलता है। यहाँ पर हीरो की बैजिंग मिल जाएगी जो सिल्वर फिनिश में है। हैलोजन में आपको यहाँ पर बल्ब देखने को मिलते हैं। ये जो पर्टिकुलर वेरियंट है इसका ब्लैक एसेंट वेरियंट है, जिसमें आप विदाउट डिस्क आता है ये, और डिस्क ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। और स्पेशली ये जो कलर है ब्लैक एसेंट, ये काफी बेहतर लगता है क्योंकि यहाँ पर पूरा नीट एंड क्लीन एक ब्लैक आउट ट्रीटमेंट होता है, और साथ में आपको जहां जहां पर ब्रांडिंग वगैरह है उसको सिल्वर इंसर्ट में दिया जाता है। तो ओवरऑल जो लुक है वो हीरो का, ये पर्टिकुलर जो अभी रिसेंट ट्रेंड है इस तरह की बाइक बनाने का, तो वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पर अब सुपर स्प्लेंडर में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्रोम इंसर्ट है। अगर इस साइड में आप देखते हैं तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इसका मडगार्ड देखने को मिलता है जो फाइबर में दिया गया है, और यहाँ कुछ इस तरह से टायर्स देखने को मिलते हैं। अगर हम टायर की बात करें तो ये आपको MRF की तरफ से देखने को मिलता है। जो प्रोफाइल है वो 80/100-18 18 इंच का आपको अलॉय व्हील देखने को मिलता है। रिफ्लेक्टर का भी प्लेसमेंट है। कुछ इस तरह से आपको ब्लैक कलर में यहाँ पर सस्पेंशन सेटअप है सिल्वर एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में। यहाँ पर आपका नंबर प्लेट इंसर्ट होने वाला है, और ये इसका इंडिकेटर है जो कुछ इस तरह के ओवल शेप में देखने को मिलता है, जो अब लेटेस्ट डिजाइन है। और यहाँ अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको साइड से देखने को मिलता है ये सुपर स्प्लेंडर। अगर यहाँ पर टेक्नोलॉजीज की बैजिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंजेक्टर जो प्रोग्राम्ड FI की बैजिंग है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जिसमें आप कार्बोरेटर की बजाय आपको यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर देखने को मिलता है। I3S टेक्नोलॉजी, यानी आप क्लच से इसको स्टार्ट स्टॉप कर पाएंगे इन ट्रैफिक, वो एक बेहतर चीज हो जाता है। कहीं ना कहीं फ्यूल एफिशिएंसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट फीचर होता है। यहाँ पर आपको हीरो की बैजिंग है। जो इंजन कलर ऑप्शन है ये ब्लैकआउट में नहीं मिलता है, कुछ एक डिफरेंट कलर ऑप्शन है जिसकी वजह से काफी बेहतर लगता है ये। और यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको प्रॉपर ये इंजन का ओवरव्यू मिल पा रहा होगा। यहाँ आप देखेंगे तो ये आपका ब्रेक पैड है, जो आपको यहाँ कुछ मेटल में ही देखने को मिलता है। कुछ इस तरह से आपको फुटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको गन मेटल तरीके में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इसका एग्जॉस्ट। और इस साइड में आपको कुछ यहाँ पर ऊपर मफलर सिल्वर फिन इंसर्ट में है। यहाँ पर आपको ब्लैकआउट ट्रीटमेंट देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर मफलर में। अगर सीट्स की बात करें तो वो अभी बेसिकली यहाँ पर सीट कवर का इंस्टॉलेशन नहीं किया गया है, तो कुशनिंग काफी अच्छा है। आप देख सकते हैं काफी बेहतरीन यहाँ पर कंफर्टेबल सीट्स आपको मिलने वाली हैं। कुछ इस तरह से आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। लॉकेबल फ्यूल टैंक है यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है। और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर कीज देखने को मिलती हैं, कोई रिमोट कीज वगैरह भी ऑफकोर्स आपको इस तरह के ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते हैं। और ये आपका लेटेस्ट वाला यहाँ पर आपको देखने को मिलता है स्पीडोमीटर, जिसमें आपको इस तरह से बटन्स भी देखने को आपको यहाँ पर मिलता है। बट अभी फॉर द टाइम बिंग इस पर्टिकुलर सुपर स्प्लेंडर के साथ टेक्सटेक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह मिलती है, वो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। इस साइड में आपको कुछ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हॉर्न का बटन है, यहाँ पर इंडिकेटर का कंट्रोल है, और यहाँ पर आपको पास लाइट का भी ऑप्शन मिलता है, बीम एडजस्टमेंट का भी बटन यहीं पर है। और कुछ इस तरह से आपको दिख पा रहा होगा कि यहाँ पर पासिंग के लिए पास लाइट का ऑप्शन भी है, और ये ऑप्शन है जिस तरह से आप यहाँ पर अपने क्लच एंड ब्रेक का कंट्रोल कर पाएंगे। I3S टेक्नोलॉजी ऑन ऑफ का बटन है, यानी अगर आपको इसको ऑन करना है ट्रैफिक में, आप सिटी में चल रहे हैं तो I3S आप ऑन करके चल सकते हैं, जिससे जब भी आपका एक आइडियल मोड पर ये ऑफ हो जाएगा और क्लच प्रेस करते ही ऑन हो जाता है। यहाँ पर आपको इग्निशन का बटन है, और इंटरेस्टिंगली आपको यहाँ पर देखने को मिलता है एक चार्जिंग सॉकेट, जहाँ से आप अपने मोबाइल फोन वगैरह को चार्जिंग पर लगा सकते हैं, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट अब ज़्यादातर लोगों को होती है जब से इस तरह के ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह ऑर्डर्स का सिस्टम हो गया, तो ज़्यादातर लोग इस टेक्नोलॉजी को नीड होती है। और वैसे भी मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन आपको डेफिनेटली हर एक बाइक के साथ मिलना चाहिए। यहाँ पर आपको यहाँ प्लेस किया जाता है हीरो का एक लोगो, जो अब आपको कुछ इस तरह से एक सिल्वर फिनिश में मिलेगा, जो एक तरह से फ्लोटेड तरीके से यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। और ब्लैक में ही आपको पीछे का ग्रैबरेल देखने को मिलेगा, और ये इसका टेल लैम्प है जो आपको हेलोजन में ही देखने को मिलता है। और यहाँ पर कुछ रिफ्लेक्टर का प्लेसमेंट है, ये वो एरिया है जहाँ पर आप अपना नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन प्लेट इंसर्ट करने वाले हैं। पीछे की बात करें टायर्स की, तो आपको MRF की तरफ से ही देखने को मिलता है। जो प्रोफाइल है वो 90/90-18 जो आगे की प्रोफाइल से थोड़ा सा डिफरेंट है, और यहाँ पर आपको कुछ अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं। अगर हम चलते हैं ऑलवे लेफ्ट साइड की तरफ, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से साड़ी गार्ड देखने को मिलता है, चेन कवर है,
यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा कि फुटरेस दिया जाता है पिलियन के लिए, और वही सारी बैजिंग I3S की यहाँ पर भी देखने को मिलती है। और इस साइड में आपको कुछ यहाँ पर गियर देखने को मिलता है, जो ऑफ कोर्स कुछ इस तरह से आप चेंज करेंगे आप पैटर्न तो यू विल बी अवेयर अबाउट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर आपका एडजस्टमेंट है इसको आप फोल्ड भी कर पाएंगे। हीरो की बैजिंग है इंजन पे, और यहाँ पर आपको छोटा सा हॉर्न का प्लेसमेंट है। कमिंग टू द स्पीडोमीटर यू कैन सी ओवर हियर कुछ इस तरह से आपको फर्स्ट टाइम ये वेलकम करता है। यहाँ पर आपको स्पीड का इंडिकेशन मिल जाएगा, इस साइड में आपको ट्रिप का भी एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एवरेज भी आपको बता देता है, ओडोमीटर आपको देखने को मिलता है, ट्रिप भी आपको एक ट्रिप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, फ्यूल इकोनॉमी आपको यहाँ दिखेगा, टाइमिंग भी दिख रहा है आपको, वो भी एक अच्छी चीज़ है। हीरो का एम्बलम है, न्यूट्रल की बैजिंग है, और ऑफकोर्स यहाँ पर आपको जो साइड स्टैंड का वार्निंग है वो भी देखने को मिलता है। ऑफकोर्स आप अगर इसको लगाए हैं तो ये इग्नाइट होने वाला नहीं है। स्पीडोमीटर है, कोई RPM का इंडिकेशन आपको देखने को नहीं मिलता है, कुछ इस तरह से आपको कीज देखने को मिलती हैं। ओवरऑल जो ये पर्टिकुलर स्पीडोमीटर है वो काफ़ी बेहतरीन हो जाता है, अपडेटेड है, और यहाँ पर अभी कोई एक्सटेक टेक्नोलॉजी का इंसर्ट नहीं किया गया है, तो कोई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह या कॉल का नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ऑफकोर्स एक चार्जिंग का पॉइंट आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको हीरो की बैचिंग भी देखने को मिल जाती है। अगर हम इस पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करें जो ड्रम एलॉय के साथ आ रहा है, तो इसका स्टार्टिंग एक तरह से 78,000 के आसपास से स्टार्ट हो जाता है, और ऑलवे 82,000 तक एक शोरूम जाता है। अगर हम इस पर्टिकुलर ब्लैक एक्सेंट ड्रम का ऑन रोड प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको 92,364 इन लखनऊ जो प्राइसिंग मैं आपको बता रहा हूँ देखने को मिलता है, ऑन रोड प्राइसिंग जो कहीं ना कहीं अंडर 1 लाख है। और ऑफकोर्स जो इंजन कैपेसिटी है 124.755 KMPL का माइलेज है, 5-speed मैनुअल यहाँ पर आपको गियरबॉक्स मिलेगा, 122 किलो इसका वजन है, फ्यूल टैंक आपको 12 लीटर का देखने को मिलता है, और जो सीट की हाइट है वो 799 mm देखने को मिलता है, जो एक बाइक के हिसाब से ओवरऑल काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद किया तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। और अगर आप लखनऊ के आसपास कहीं से बिलोंग करते हैं, हीरो के किसी भी स्कूटर या बाइक की आपकी प्लानिंग है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डीलरशिप को आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, विजिट करके टेस्ट राइड भी ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, बाय बाय टिल देन।